कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, पर्सन, क्रश, लवर, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनके देर रात की क्या सच्ची भावनाएं आपके लिए, अभी क्या सोच रहे हैं लेट नाइट वो। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले टैरोट कार्ड के थ्रू मैं देखूंगी आपके कनेक्शन की क्या वाइब्रेशन, चेक करूंगी क्या कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन में, क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते में, पहले ये देखेंगे। ओके, तो आपको पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है, मन शांत करना है। पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। एनर्जी बेसिकली बैलेंस कर दीजिएगा लाइक कमेंट शेयर करके। ओके, एनर्जीज एक्सचेंज कर सकते हैं आप, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या वाइब्रेशन है मेरे व्यूवर्स के कनेक्शन की, रिश्ते की। नाइट ऑफ वॉन्स, ओके, द टावर, ओके, यहां पर है एट ऑफ वॉन्स। ओके, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर, लवर, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, इनके पार्टनर की क्या और इनकी क्या वाइब्रेशन है, इस रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। द मून का कार्ड है, ओके, द डेथ, ओके, बॉटम ऑफ डेक चेक कर लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्स, ओके। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपका हंसता खेलता कनेक्शन, हंसता खेलता रिश्ता, हंसता खेलता मतलब इतना अच्छा कनेक्शन को किसी की नजर लग गई है। यहां पर दिखता है द टावर के कार्ड में आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, किसी और के लिए आपका दिल तोड़ा है। ओके, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपसे पहले तो इन्होंने छुपाया, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, और आपके अलावा भी ये किसी और से बात करना, किसी और को डेट करना करते रहे, बट जैसे ही आपको पता चला आपका दिल टूट गया, जब सच्चाई आपके सामने आई आपका दिल टूट गया, आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब आप इतना सैड हो गए, बहुत लिटरली आप बहुत परेशान हो गए। ये किसी रोमांटिक पार्टी की बात कर रही हूं मैं। ओके, तो यस, टावर मोमेंट आया है आपके कनेक्शन में, जिस वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, लिटरली आपको नींद नहीं आना, टेंशन होना, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। ओके, कोई तो इनके लाइफ में एंट्री हुई है किसी की, तो ऐसा कुछ दिखता है, जिस वजह से आपका बहुत ज्यादा दिल टूटा। और आप लोग अभी ब्रेकअप की कंडीशन में हो या फिर सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, बट स्टिल आप इनका वेट करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। आप इनसे अभी भी एक अटैचमेंट तो अभी भी आपका इनके लिए है, कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, जो भी इनके लिए फीलिंग्स हैं उनको दबा रहे हो, छुपा रहे हो, और ये भी अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि देखो हाँ थर्ड पार्टी में ये जरूर गए, बट स्टिल मुझे यहाँ पर आपके लिए अभी भी इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखते हैं, इनके मन में है बट ये छुपा रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, अब ये थर्ड पार्टी की तरफ है, बट मुझे दिखता है यहाँ पर है डेथ का कार्ड, जो भी इन्होंने किया है ना उसकी एंडिंग होगी, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई है, जो भी आप दोनों के कनेक्शन में जो भी दिक्कतें आई हैं उसकी एंडिंग मुझे दिख रही है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखता है एट ऑफ वॉन्स के कार्ड से दोबारा इस कनेक्शन में इन्फेक्चुएशन आएगा, दोबारा इस कनेक्शन में एक स्पार्क आएगा, एक न्यू बिगनिंग होगी और एक स्ट्रांग कनेक्शन ये बनेगा, ये एक स्ट्रांग रिश्ता बनेगा दोबारा से। ओके, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी वाला सीन है, आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जब तक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी वाला सीन ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला है,
मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, थर्ड पार्टी वाला सीन जो है, ये थर्ड पार्टी ना आपकी और आपके पर्सन की कार्मिक दिखती है या दिखता है, और वो ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे थर्ड पार्टी, या तो ये मूव ऑन कर लेंगे या थर्ड पार्टी इनको डिच करके चले जाएगी या चला जाएगा। इनको सबक सिखाने के लिए ही अभी थर्ड पार्टी, यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में एंट्री कराई है थर्ड पार्टी की, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। ये कनेक्शन स्टार्टिंग से फिर से ग्रो होगा। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं माफ नहीं करूंगा अब इसको, या मैं माफ नहीं करूंगी इसको, इसने जो भी किया है उसके बाद मैं कभी माफ नहीं करूंगी या करूंगा, बट मुझे दिखता है कि आप माफ करोगे क्योंकि ये कनेक्शन का एंड नहीं है यहां पर, ये फिर से ग्रो होगा कनेक्शन, फिर से आप दोनों के बीच में वही फ्लर्ट, वही प्यार, वही कनेक्शन, सब कुछ मुझे वापस आते हुए दिखता है। आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे ये, ओके, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। दिख रहा है इन्होंने अपने से ही प्यार किया, आपके बारे में नहीं सोचा, बस अपने बारे में ही सोचा। ये काफी सेल्फिश रहे हैं, सेल्फिश होके इन्होंने बस अपने बारे में सोचा है। बट मुझे दिखता है कि देखो, ये कनेक्शन खत्म तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग का पिछले जन्म का ये रिश्ता है, पिछले जन्म से आप ये रिश्ता लेकर चल रहे हो। आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट ये आपके हो सकते हैं। चीजें जरूर आप दोनों के बीच में आई हैं, जैसे थर्ड पार्टी है या अट्रैक्ट हो गए या जो भी है, वो एक कर्मा की वजह से हो रहा है, पिछले जन्म का कर्मा। ओके, वो जब बैलेंस हो जाएगा, जब वो अपने आप कट जाएगा, ओके, तो मुझे यहां पर दिखता है थ्री ऑफ वॉन्स के कार्ड से आप दोनों एक दूसरे को फिर से वही प्यार करोगे, वही एक्सप्लोर करोगे। ओ माई गॉड, मेरी यहां पर नजर पड़ी द लवर्स का कार्ड है। अब बताओ, टू ऑफ कप्स, द लवर्स, देखो प्यार तो है, चीजें तो दोबारा से स्टार्ट होंगी, क्योंकि इनको रियलाइज होगा, सबक मिलेगा, फिर से ये कमिटमेंट देंगे आपको। अगर भागते थे कमिटमेंट से तो देंगे एक अफ्रेक्शन, एक कनेक्शन ये दोबारा आपसे फील करेंगे। अगर इनको लगता था कि थर्ड, अगर ये इसलिए चले गए थर्ड पार्टी में या किसी और की तरफ कि आपसे बेटर है लुकिंग वाइज या फिजिकली या नेचर, जो भी इनको लगा हो, तो इनकी सोच बदलने वाली है लिटरली, मुझे दिखता है। फिर से आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करोगे। ओके, तो चलिए कैंडल वैक्स के थ्रू देख लेते हैं आप कि उनकी क्या कुछ एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। तो आपको उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ओके, उनका नाम ले लीजिए और फेस विजुलाइज कीजिएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है, करंट एनर्जीज क्या है, अभी देर रात वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। देखो, कहीं ना कहीं ये आपको भूल तो पा नहीं रहे, इनने कोशिश भी करी है थर्ड पार्टी के साथ खुश रहने की भी कोशिश करी है, पर रह नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके एक्सपेक्टेशन में खड़ी नहीं उतर रही है, ना ही उतर रहा है। देखो, ये चलते अट्रैक्शन के चलते तो चले गए उसके पास, बट नेचर भी तो कुछ होता है, आदतें भी तो कुछ होती हैं, एक अट्रैक्शन ही सब चीज नहीं होती है। तो मुझे दिखता है कि यस, एक नेचर आपका ऐसा है कि जो आपने इतना कुछ किया है ना, वो ये याद करते हैं या करती हैं, बेसिकली मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है कि एक सच्चे दिल का इंसान मिलनी मुश्किल है, जो कि आप हो, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। आपको याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैंने कितना गलत किया इसके साथ, कुछ ऐसा मैं एनर्जीज देख रही हूं। बेसिकली आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए मैं इनको देख रही हूं। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में दोबारा आए, दोबारा री एंट्री हो, ऐसा भी मैं कुछ देख रही हूं, पर अभी भी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, आपकी तरफ आया जाए या आप माफ करोगे नहीं करोगे, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये, आपको भूलकर भी नहीं भूल पाते हैं, और आप भी इनको भूलकर नहीं भूल पाते हो, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, याद करते हो, दोनों ही गुस्सा दोनों के मन में इक्वली मुझे दिखता है। ये भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, आपने कुछ ऐसा कुछ बोला है इनको या किया है एक्शन के थ्रू, कहीं ना कहीं ये भी आपसे गुस्सा है, और आप तो हो ही इनसे गुस्सा क्योंकि ये थर्ड पार्टी में गए, आपसे झूठ बोला। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है, इनको ऐसा लगता है कि दोबारा बिलीव करना बहुत मुश्किल है, ऐसा ये सोचते हैं,
आप पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है, बट करेंगे, बिलीव करेंगे, ये आपका ट्रस्ट जीतेंगे। इनको ऐसा लगता है आप नहीं, इन पे आप विश्वास करोगे, बट अब ये आपका ट्रस्ट जीतेंगे, क्योंकि ये ना खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। अभी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी से लेट गो करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, बट हाँ कहीं ना कहीं फंसे भी हैं, क्योंकि अब जो किया है समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या छोड़ा जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी को इनकी हर एक चीज पता है, ऐसा भी दिखता है, सारे राज हो गए, सारी चीजें पता है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको डराती है, ब्लैकमेल भी करती है, ऐसा भी मुझे दिखता है कुछ लोगों के पर्सन के साथ। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि थर्ड पार्टी इमोशनली ब्लैकमेल करती है, और थर्ड पार्टी तो नहीं चाहती या चाहता कि ये आपकी तरफ बढ़े, ये थर्ड पार्टी को छोड़ें, ये नहीं चाहता थर्ड पार्टी, या नहीं चाहती, क्योंकि थर्ड पार्टी का इनसे अपना मतलब पूरा हो रहा है, ऐसा कुछ दिखता है मुझे। बट थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ना एक कनेक्शन और एक इमोशनल एक जो बॉन्ड था वो नहीं फील कर पा रहे हैं ये, या कर पा रही हैं ये, आज भी आप ही के बारे में सोचते हैं ये, क्योंकि आप जैसे मैंने बोला आप लोग ट्विन फ्लेम हो, दो जिसमें एक जान हो, और कुछ आपको होता है इनको फील हो जाता है, या इनको कुछ होता है आज आपको भी फील हो जाता है, चाहे आप कितना दूर हो इनसे, या सेपरेशन में हो, या नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो, दूरियां हो, फिजिकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, जो भी है, या लॉन्ग डिस्टेंस है आपका इनके साथ, बट ये फील करते हैं, सेंस कर पाते हैं आपको, आप भी फील कर पाते हो इनको। आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये माफी मांगे आपसे, दोबारा आपकी लाइफ में आए, और अब ये भी चाहते हैं एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। इनको ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी और इनके झगड़े, और मतलब मैनिपुलेट करना थर्ड पार्टी का, प्लानिंग करना, कुछ चालाकी चालाकी इनको थर्ड पार्टी की दिख गई है। और थर्ड पार्टी क्या करती है या करता है, इनके साथ साथ भी और लोगों से बात करना, इनको नहीं दिखाना, बट कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी के इंटेंशन को भांप लिया है, समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी लॉयल नहीं है। देखो दिखाती बहुत ज्यादा है थर्ड पार्टी की, मैं बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, बट स्टिल करता नहीं है या करती नहीं है, और ये चीज इनको अच्छे से पता चल गई है। अब समझ आ गई है आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत इनके नजरों में आ गई है, अभी आपकी तरफ झुकना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है आप लॉयल थे, आपने सब कुछ किया है इनके लिए, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। ओके, मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस की यहाँ एनर्जी स्पीक हो रही है, और मुझे जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस दिखता है। देखो सारे ज्योतिष साइन प्रेजेंट है, बट ये मुझे ज्यादा दिखते हैं। ओके, 4 नंबर, 18 नंबर, 13 नंबर, और यहाँ पर 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ हो सकता है डेट, और 4 नंबर भी। ओके, कुछ डेट का, बर्थ का डेट हो सकता है, या फिर मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, कुछ ना कुछ मुझे इंपॉर्टेंट दिखता है आप लोगों के लिए। ओके, इग्नोर करते थे आपको, गुस्सा करते थे आप पे, आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे ये पास्ट में, बट अब इनकी एनर्जीज दिख रही है कि ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, ये अपने को आपकी तरफ रख के भी फील कर रहे हैं कि यार मैंने गलत तो किया था, ऐसा कुछ इनकी एनर्जीज में देख रही हूं। हाँ, आप लोग लवर्स हो, जैसे मैंने यहां पर मुझे दिखा था कार्ड, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी दिखा था, इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ, और अपने दिल की का हाल बताना चाहते हैं कि मैं कितना सैड रहा हूं, या कितना परेशान रहा हूं, या रही हूं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए ना, मतलब जो भी इन्होंने डिसीजन लिया ना उसका पश्चाताप, मतलब इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने गलत किया था, उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आप देखो थर्ड पार्टी में गए, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत है, या कुछ ऐसा देख के गए, अट्रैक्ट होके गए, बट अब इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ये एनर्जीज मैं यहां पर देख रही हूं। ओके, और जो लेटर मुझे यहां पर दिख रहा है वो है HEDATOM,
CUPSFTNKIGWM, ये कुछ लेटर मुझे दिख रहे हैं, यानी कि अल्फाबेट्स मुझे दिख रहे हैं। इनिशियल्स आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे ये। परेशान नहीं होना है आपको, पॉजिटिव रहना है। ओके, मुझे दिखता है कि क्योंकि आप दोनों इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से आप दोनों कनेक्टेड हो। आप भी सोचते हो कि मैं इसको भूल नहीं पा रही हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, इतना इसने सब कुछ कर दिया है, बट फिर भी मैं नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ या भूल पा रहा हूँ। इसलिए हो रहा है ये सब क्योंकि आप दोनों का पिछले जन्म का कनेक्शन है, और ये भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आपको लगता होगा कि पता नहीं ये तो भूल ही गया या भूल ही गई, बट नहीं, ये भी नहीं भूले हैं आपको, ये भी आपको याद करते हैं। ये पिछले जन्म का रिश्ता है आपका, कैसे भूल जाओगे आप दोनों एक दूसरे को, नहीं भूल सकते। ओके, तो गाइस, यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर करके ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।